खोराबार विकास खंड पर पंचायत चुनाव के मतगणना स्थल सेंट जोसेफ स्कूल पर चल रहे मतगणना स्थल का मंडलायुक्त जयंत नलनिकल ने निरीक्षण किया और मतगणना कार्य का जायजा लिया। इस दौरान मंडलायुक्त ने मतगणना केंद्र पर बनाए गए कोविड हेल्प डेस्क सहित कोरोना प्रोटोकॉल का भी जायजा लिया। मंडलायुक्त ने कहा कि मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों एवं एजेंटों के अलावा किसी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। मतगणना स्थल पर साफ सफाई के साथ स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएं, जिससे किसी भी विषम परिस्थिति से निपटा जा सके। निरीक्षण के दौरान SPCT सोनम कुमार, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार और मंडलायुक्त जयंत नलनिकल ने कहा, नंबर 7 से बक्सा ले जाना है। सफाई कर्मी तुरंत स्थान पर पहुंचे, जिनके ड्यूटी बक्सा ले जाने दिलाने में लगाई गई है। कितना टाइम लगेगा? 2 दिन लगेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, नहीं है। नहीं के पास में उसने पंजीसी दी होनी चाहिए, 5,000 और दी गई है। हम पढ़े तो आप सीधे डॉक्टर नंद कुमार से CMO से बात कर लीजिएगा जी सर। और जिसका भी संदिग्ध लगे जी सर, कुछ भी हो, पुलिस को कह के उसका टेस्ट जरूर करवाइए। ज़्यादा बदतमीजी करें तो हम निकाल देंगे जी। नहीं आए और ये जो एजेंट जाती आए हैं, ये तो जो भी मतगणना एजेंट या प्रत्याशी है उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने टेबल पर ही रहे, इधर उधर न घूमें। मतगणना आपके पुलिस में भी कोई तो एजेंट है वो आपस में दूरी बना कर रहे हैं, मास्क लगा कर रहे हैं, कोविड के नियमों का पालन करें। ये बात करके यही पर है, कोराबार में ही PSC है, यहाँ पर पास में उनका जहाँ ब्लॉक ऑफिस है वो हर काउंटिंग केंद्र को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके रखा गया है। देखिए मतगणना के लिए जो यहाँ पे मेरे क्षेत्र में 2 यहाँ पे काउंटिंग सेंटर हैं, एक चरगावा में है, एक कोराबार में है। अभी हम लोग कोराबार में खड़े हैं। यहाँ पे इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। एक अलग से कोविड हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, वहाँ पे सबके टेम्परेचर नापे जा रहे हैं तभी उनको अंदर अलाउ किया जा रहा है। मास्क सैनिटाइजर सबके पास है, साथ ही साथ एंटीजन किट भी प्रोवाइड किया गया है। तो अगर किसी का कोई भी समस्या आती है तो तत्काल एंटीजन किट से उसका टेस्ट किया जाएगा और नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वो तत्काल उसको लेकर जाया जाएगा। तो बिल्कुल मुस्तैदी से पुलिसकर्मी अपना सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं, अभी तक 1-2 जगहों के नतीजे आ भी गए हैं और शांति व्यवस्था पूर्णतः काम है, कायम है। देखिए ये जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हुआ है उसका 4 चरणों में हमारे मंडल में हुआ है। गोरखपुर जनपद में पहले चरण में हुआ था 15 अप्रैल को और उसकी आज काउंटिंग चल रही है। मतगणना राज्य निर्वाचन आयोग के जो भी नियम हैं, जो आदेश हैं और उन सभी निर्देशों के क्रम में की जा रही है। महत्वपूर्ण बात जिसको बहुत ध्यान रखा गया और उच्च स्तर जो भी अधिकारीगण हैं उनको भी देखना है स्वयं भ्रमण करके कि कोविड के जो निर्देश हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनका अनुपालन बहुत अच्छा सा होना चाहिए।
और वही प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, कोविड हेल्प डेस्क है और सारे चीज़ें का इंतज़ाम किया गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि काउंटिंग का रिजल्ट नियम के अनुसार हम निकालें और उसके साथ साथ सभी कार्मिकों का, इलेक्शन एजेंट का, कैंडिडेट्स का, पुलिस कर्मियों का, जो भी पूरी टीम लगी हुई है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सर कब तक उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाएगा? ठीक है, डिपेंड करता है। आपके चार लेवल पर बैलेट पेपर्स थे, तो जहाँ पर जनसंख्या कम है, जिस सीट पर कम है, वार्ड मेंबर पर कम है, उसका पहले आ जाएगा। जिला पंचायत के मेंबर का ज़्यादा लोगों का है तो उसका टाइम लगेगा, कंपाइलेशन में कुछ टाइम लगेगा। बट हमारा प्रयास है कि मुझे लगता है रिजल्ट आने में 24 से 36 घंटे मुझे लगता है लगे ज़्यादातर रिजल्ट आने। बट समय से ज़्यादा हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि कोविड के प्रिकॉशंस को हम माने, सैनिटाइज करें, सफाई करें, भले उसके लिए आधा घंटा थोड़ा सा हमें रोकना पड़े। लोगों का स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट।